हे स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। कर्जे से मुक्ति के 8 अचूक उपाय। हमारे देश के व्यापारी ड्यू टू लैक ऑफ कैलकुलेशन एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर्जे में चले जाते हैं। अकाउंट्स और फाइनेंस एक चीज नहीं है। अकाउंट तो आपका पर्ची बनाना, बिल बनाना, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग हर आदमी को, इंडिविजुअल बिजनेस को बहुत जरूरी है। 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज बैंकों को वापस नहीं मिल पाया। अपने आप ही हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तरह तरह की बीमारियां ऐड होने लग जाती हैं। कर्जे में दबे हुए आदमी की बैरियर फ्री थिंकिंग खत्म हो जाती है। देश के 30% से ज्यादा लोगों की 30% एक्स्ट्रा बीमारियां इसी कर्जे के कारण आ रही हैं। टू बिकम हैप्पी यू डोंट नीड पीस ऑफ फाइनेंस, यू नीड फाइनेंशियल पीस। हे कम ऑन, यू नीड फाइनेंशियल। पैसा आपको खुश नहीं करेगा, फाइनेंशियल पीस आपको शांति देगा। 8 क्रांतिकारी उपाय हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। आज आपके क्रेडिट कार्ड को या तो जला दो, या जमा दो, या तोड़ दो, खत्म कर दो। आज कुछ शानदार उपाय दूंगा। पहला पॉइंट है लिस्ट योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी तरह के आपके कर्जे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन का है, होम लोन का है, अनसिक्योर्ड लोन का है, कार लोन का है, एजुकेशन लोन, सबको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सीक्वेंस में लिख लें। जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले खत्म करें। सब में बराबर बराबर ईएमआई नहीं देने का, ध्यान दीजिए, आप लोग यही गलती करते हैं। सबकी ईएमआई चल रही है, सबकी ईएमआई जा रही है, ना 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 ना। बाकियों को मिनिमम पेमेंट पे रखिए। जिनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, उन पे हमला बोल दीजिए, अटैक करिए, उसको जड़ से उखाड़ के तुरंत खत्म कर दीजिए। जरा देखते हैं किसका इंटरेस्ट रेट कैसा है। होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, 8.3% पर एनम। कार लोन 9% पे मिल जाता है, एजुकेशन लोन 10% पे, पर्सनल लोन अमूमन 12% के आसपास, अनसिक्योर्ड लोन में लगभग 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और क्रेडिट कार्ड तो बना ही आपको बर्बाद करने के लिए है। एवरेज 32% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आता है क्रेडिट कार्ड का। सिंपल मुद्दा है, सबसे महंगे वाले को सबसे पहले खत्म करो, बाकियों का मिनिमम पेमेंट के साथ उनको मेंटेन कर लो। दूसरा पॉइंट, शायद ही किसी को इसकी ठीक से जानकारी हो, पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल। कमाल की बात है, सीक्वेंस आपने लिख लिया ना, अब करना कैसे समझिए ध्यान से। तो सबसे महंगा है उस पे बढ़ा बढ़ा के ईएमआई पे करना शुरू कर दिए शुरुआत से ही, और जो गेन होगा सेम प्रपोर्शन में नहीं, एक्सपोनेंशियल गेन होता है। जरा एक टेबल को समझते हैं। हम लेंगे 3 सिनेरियोस का टेबल, सिनेरियो 1, 2 और 3। इन तीनों का मैं कैलकुलेशन आपको क्विकली समझाता हूं। अगर आपका मंथली ईएमआई 5,000 रुपया है और 41 महीने का पेमेंट प्लान है, इसमें आपका टोटल पैसा 41 महीना मल्टीप्लाइड बाय 5,000 रुपया 2,05,000 रुपया लग जाएगा। पर सिनेरियो 2 में अगर आप इस पेमेंट को डबल कर देते हैं, यानी कि 5 की जगह 10,000 रुपये महीना पे करना शुरू कर देते हैं, अब आपको 41 महीने अगर 5 से 10 किया तो 41 का हाफ होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो 13 ही महीने रह गया। यानी कि पेमेंट अगर आपने 2 गुना किया, बेनिफिट आपको 3 गुना मिला है। दूसरी तरफ एक और ले लेते हैं, 5 की जगह 10 तो हमने ले लिया, लेकिन अगर आपने सीधा 20,000 रुपया महीना पे करना शुरू कर दिया, यानी कि पेमेंट आपने 4 गुना किया, लेकिन रिडक्शन इन टाइम टेकन आपको 7 गुना मिल जाएगा, यानी कि अब आपका पूरा पेमेंट 6 महीने में ही खत्म हो जाएगा। सरल सी बात है, डबल पेमेंट किया 3 गुना फायदा, और अगर 4 टाइम्स पेमेंट किया 7 गुना फायदा। तो जितना हो सके जंप करके इंक्रीमेंटल पेमेंट करिए, एक्सपोनेंशियल फायदा उठाइए। तीसरा पॉइंट है सेल अननेसेसरी आइटम्स फॉर एटलीस्ट 2 to 4 ईएमआईस। वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड, यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। पर अमूमन फिर भी आप देखिए, घर में बहुत सारा ऐसा सामान आपके पड़ा हुआ है, झांक के देखिएगा ध्यान से इधर उधर, अभी के अभी वीडियो के बाद। सिंपल क्राइटेरिया, अगर कोई चीज 1 साल से ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करी, चांसेस हैं वो यूजलेस है और आपके लिए एक डेप्रिशिएटिंग एसेट बना हुआ है। थोड़ा अपने घर में झांक के देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं आपको। काफी सारा अननेसेसरी फर्नीचर या ओल्ड मोबाइल फोन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे टीवी, माइक्रोवेव, हीटर, कई बैग्स भी हो सकते हैं खूबसूरत, लेकिन अब आप इस्तेमाल नहीं करते, थोड़े पुराने हो गए। कुछ कंप्यूटर, लैपटॉप्स हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन, कैमरा, साइकिल,
बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अपैरल्स। अब थोड़ी टाइम लगता है, OLX पे बेच दे, क्विकर पे बेच दे, दुनिया भर की ऐड आ रही है। कम से कम 4-5 EMI आप ऐसे ही निकाल लेंगे उन चीज़ों को बेच के जो कचरे की तरह डेप्रिशिएटिंग एसेट बन के आपके घर में पड़ी हुई है। मेरा चौथा पॉइंट है टेम्पररी डाउनसाइजिंग। बुद्धिमान आदमी अप्रिशिएटिंग एसेट खरीदता है और कम बुद्धि का व्यक्ति या तो डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदेगा या लाइबिलिटी खरीदेगा या अननेसेसरी ऑब्जेक्ट खरीदेगा। डाउनसाइज योरसेल्फ टेम्पररली। एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजों को फटाफट इवैल्यूएट करिए। कुछ 3-4 चीजें क्विकली बताता हूं। पहला, अपने ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करिए, डाइन आउट एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करिए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करिए, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, डेप्रिशिएटिंग एसेट या नॉन वैल्यू एडिंग ऑब्जेक्ट्स। ये कई सारी चीजें हैं जिनको अगर थोड़े दिन के लिए आप कंट्रोल करें, कुछ एक्स्ट्रा 30% की सेविंग की जा सकती है आपकी मंथली प्लानिंग में, जो नेचुरली आपके EMI को कंट्रीब्यूट करती है। पांचवा पॉइंट है पे लोन्स विद द सेकंड इनकम। कई बार हस्बैंड वाइफ घर में दोनों काम कर रहे होते हैं तो एक की सैलरी से घर चलना चाहिए और सेविंग होना चाहिए, दूसरे की सैलरी केवल लोन्स पे ऑफ करने में पूरी तरह डेडिकेट हो जानी चाहिए। जब आपको पता है कि वो सैलरी अवेलेबल ही नहीं है, आप लोन्स को ज्यादा अच्छा मैनेज कर पाएंगे। और दूसरा उपाय हो सकता है केवल एक अर्निंग मेंबर हो घर में, वाइफ ना काम करती हो, उस केस के अंदर अपने लिए एडिशनल इनकम की प्लानिंग आप कर सकते हैं। कई बार एडिशनल इनकम सुनने में अटपटा या मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं। आप फ्रीलांस फोटोग्राफी कर सकते हैं, कॉन्टेंट राइटिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, LIC एजेंट बन सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लीडर बन सकते हैं, डेटा एंट्री, टेलीकॉलिंग या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसल्टिंग। कई लोग ऐसा हॉबी केटरिंग भी करते हैं, जैसे होममेड कुकीज या केक। यू कैन ऑल्सो बिकम अ टूर गाइड फॉर वीकेंड्स। ओला या उबर ड्राइविंग भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ऑफिस खत्म होने के बाद ड्राइव करते हुए ओला उबर, ये भी एक्स्ट्रा 15-20 हज़ार रुपए महीने का आपको काम दे सकता है। या कुछ लोग सोशल मीडिया पे पेड ट्वीटिंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। आप अपने पैशन को ढूंढिए जो प्रोफेशन के साथ साथ बिल्ड करके एक्स्ट्रा इनकम, जो कि यू कैन स्ट्रेट अवे थ्रो इट टू योर EMIs। मेरा छठा पॉइंट हैव एन इमरजेंसी सेविंग्स फंड। देखिए, लोन लेना ही ना पड़े इसके लिए कुछ ना कुछ इमरजेंसी सेविंग कॉर्पस अपने लिए बना के रखिए, जिसको लिक्विड डेट फंड में आप डाल सकते हैं, जिसको निकालना बड़ा आसान है, कभी भी निकाला जा सकता है, 24 से 48 घंटे के नोटिस पे तुरंत निकाला जा सकता है। इक्विटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी समय पैसा बाहर निकल जाता है। 6-8 या 9% का भी डेट के अंदर बहुत सारे ऐसे फंड है जिसमें रिटर्न मिल जाता है। लिक्विड फंड में छोटा अमाउंट साइड में रखिए, जब जरूरत पड़े तुरंत ले लें, लोन लेने की कई बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा सातवां पॉइंट है हैबिट ऑफ बजटिंग इज एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। ये बड़ी कमाल की चीज है, ये लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं। हैबिट ऑफ बजटिंग इज एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। हैव एन डेटा ड्रिवन अप्रोच टू योर स्पेंडिंग। कीप योर इंटेलिजेंस अबव इमोशन। वन मोर टाइम, कम ऑन, कीप योर इंटेलिजेंस अबव इमोशन। अगर आप बजट बना लेते हैं, आपकी इमोशनल स्पेंडिंग को ये तुरंत कंट्रोल कर लेगा। बजट का मतलब है आपकी प्लान करने की क्षमता। बड़ा सरल उपाय है, पिछले 3-4 महीने के स्पेंड को देखें, प्लान करें और एक एक्सेल शीट बना लें जिसमें एलोकेट कर दें, मैं इस चीज के लिए और इस चीज के लिए और इस चीज के लिए कितना खर्चा करने वाला हूं। दोज हु डोंट मैनेज देयर मनी विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु डू। सिंपल। जो अपने पैसे का ख्याल रखना नहीं जानते वो हमेशा उनके लिए नौकरी करते हैं जो पैसे का ख्याल रखना जानता है। बजट आपको मदद करेगा डेटा ड्रिवन स्पेंडिंग्स के लिए, इमोशनल स्पेंडिंग को तुरंत कंट्रोल कर देता है। सिंपल सा एक फ्रेमवर्क दे देता हूं, यहां कैटेगरी लिख लें, इधर बजटेड अमाउंट लिख लें, इधर स्पेंड अमाउंट लिख लें या रिमेनिंग अमाउंट लिख लें। कैटेगरी में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक बिल्स, ग्रोसरीज, इन्वेस्टमेंट, रेंट, वाटर बिल, मॉर्गेज, फूड, क्रेडिट कार्ड, लोन, यूटिलिटी, केबल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। उसके सामने लिख लें कितना बजटेड अमाउंट है, इसके लिए मैं इतना खर्च करूंगा, इसके लिए इतना, और उसके बाद सामने लिख दें स्पेंड किया कितना, उतना किया या ज्यादा किया, और बाद में आपके सामने रिमेनिंग आ जाएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इससे आप डेटा ड्रिवन स्पेंड करेंगे, आपकी लाइफ कंट्रोल में रहेगी। थ्रो एनी एक्सेस कैश ऑन योर डेट। कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है ना आपको, एग्जाम्पल के लिए कभी आपको टैक्स रिफंड मिलता है, कभी कोई गाड़ी बेच के पैसा मिल जाता है, कुछ
प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस परिवार से मिलती है, कोई बेट जीत जाते हैं, बोनस है, इंसेंटिव है, वेरिएबल है, अचानक आने वाला कोई भी विंडफॉल गेन उसको अपने घूमने फिरने में ना लगाएं, इधर उधर ऑब्जेक्ट खरीदने में, कभी घर के लिए वास खरीद लिया, कभी टेबल खरीद ली, कभी कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, तुरंत हर एक्स्ट्रा पैसे को सीधा डेट पे फेंक के मारो और तुरंत उधार खत्म करते जाओ। कर्जा लेने में जल्दी मत करिए, अपने सिबिल स्कोर को अच्छा रखिए, बहुत जरूरत के समय में खर्चा करिए। चाणक्य पंडित कहते हैं ऋण शत्रु और रोग जहां मिले तुरंत समाप्त कर दो, इन तीनों को साथ में मत रखना, तुरंत समाप्त कर दो। कर्ज मुक्त भारत को बनाने के लिए, हमारे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए ये 8 सिंपल प्लानिंग के पॉइंट्स थे। इनको उतारना जीवन में आसान है, आप इनको कई बार जाने अनजाने में पहचानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। इसको मैंने एक फ्रेमवर्क में आपको आज वीडियो के माध्यम से दिया है। बहुत सारे व्यापारी कर्जे के कारण परेशान हैं, उनको वीडियो भेजिए, उनको कई आइडियाज आ जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वीडियो भेजिए, कई आइडियाज आ जाएंगे। कर्जा जब सर पे चढ़ा होता है ना तो दिमाग कम काम करता है। मेरे नए सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मैं बता दूं, अपने लीडरशिप फनल में डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डेट मैनेजमेंट, कैश की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएं, साधारण हिंदी भाषा के अंदर मैं इन टॉप बिजनेस फॉर्मूलाज को ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से लाके लीडरशिप फनल में आपको देता हूं। नए नए बैचेस लगातार आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, आप जैसे कई व्यापारी आ रहे हैं और इन प्रोग्राम्स का बहुत लाभ उठा रहे हैं। आप भी तुरंत इस नंबर पर फोन करिए, पता लगाइए कि कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं और कौन सा वेन्यू आपके घर के नजदीक है। व्यापार को बड़ा करना, सफल बनाना उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। मेरे साथ आइए, मैं आपको बिजनेस फॉर्मूलाज, कई सारे फ्रेमवर्क्स बना बना के आपको दूंगा जो आपको सफल बनाने में मदद करेंगे। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये वीडियो कई सुसाइड बचा सकता है। जो भी आदमी आपको लगता है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा है, तुरंत वीडियो उसको दीजिए, कई आइडियाज आएंगे। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, फिर याद दिला रहा हूं बेल आइकॉन को हिट करें, अगर वीडियो से आपके फायदा हो रहा है लाइक देते जाइए। और नीचे आज मेरा कमेंट में नया प्रश्न है, मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है क्रेडिट कार्ड से फायदा ज्यादा हो रहा है या नुकसान ज्यादा हो रहा है? एक बार और, कमॉन, क्रेडिट कार्ड से फायदा ज्यादा हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है? आप अपनी राय बेबाक तुरंत लिखिए, हम एक दूसरे की राय को पढ़ेंगे, जिसका आंसर अच्छा लगा उसको लाइक देंगे और जो टॉप आंसर हैं ज्यादा लाइक मिलेंगे वो आंसर ऊपर आते जाएंगे। सुझाव जरूर दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं? इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।